अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं? लाइन ड्रॉप हो ओए होए, आपका पता है टेलीविजन का वॉल्यूम भी खुला था। अब किस वजह से लाइन ड्रॉप हुई, शायद डिस्टरबेंस की वजह से हुई या वैसे ही ड्रॉप हो गई, लेकिन प्लीज़ जब भी आप लोग कॉल करें तो टेलीविजन का वॉल्यूम जो है बंद कर दिया करें या स्लो कर दिया करें, ताकि हम तक आवाज़ ना आए और डिस्टर्बेंस ना, वरना इतनी एनर्जी से उन्होंने कॉल की थी, एनर्जेटिक कॉल थी हमारी बड़ी। नहीं, लोग इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, लोग इतनी मोहब्बत से बात करते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाओ, कहीं बाज़ार में जाओ, लोग भाग भाग के आते हैं कि आपका प्रोग्राम हमने देखा, आपका प्रोग्राम अच्छा, आपके प्रोग्राम में फलां चीज़ बहुत अच्छी थी, आप वो दोबारा बता दें या टिप दोबारा बता दें। तो उस वक्त मुझे लगता है जैसे मेरा कद जो है ना बहुत लंबा हो गया और वज़न मेरा बहुत बढ़ गया, और दुनिया में इससे ज़्यादा खुशी किसी को मिल नहीं सकती जिस वक्त लोग आके प्यार करते हैं। कल एक बड़ी भी शादी में उनसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो आई मेरे पास, उन्होंने मेरे माथे पे प्यार किया, मुझे लिपटाया और बेइंतहा दुआएं दी कि तेरी वजह से मेरे घर में रौनक है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा आप ये जुमला मेरे घर में भी जाके कह लेकिन वाकई बड़ा प्यार करते हैं, सही बात है, अब इतनी दुआएं देते हैं और आप लोगों का प्यार है, जो कॉल भी कर रहे होते हैं, प्रोग्राम इतना पसंद करते हैं, सच है। तो आपका कुछ लोग जैसे प्राउड हो जाते हैं, आंखें यहाँ आ जाती हैं, तो आपकी तो नहीं होती कहीं ऊपर? नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखिए लोगों की वजह से हमें शोहरत और थोड़ी बहुत इज्जत जो मिली है वो आप लोगों की वजह से मिली है। अगर आप लोग मुझसे अच्छी तरह मिलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और मैं सच कह रही हूँ कि सड़क के अगर जो स्वीपर घूमते हैं, झाड़ू देते हैं, उनके यहाँ भी टेलीविज़न है, वो लोग भी मुझे सलाम करते हैं और पूछते हैं, तो मैं रुक के उन्हें दुआ दे के उनके कंधे पर हाथ रख के और फिर मैं जाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि ये स्वीपर है मैंने छोड़ दूँ, सड़क पे मिल रही हूँ लोग क्या कहेंगे, तो उन्हें भी मैं अगर सड़क पे पैदल चल रही हूँ, गाड़ी में हूँ तो हाथ ही ला देती हूँ, और अगर सड़क पे पैदल चल रही हूँ तो मैं उनके कंधे पे हाथ रख के दुआ दे के जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही ट्रीट करते हैं सबको, छोटे बेटे हैं सारे, मैं देखा कुछ लोग बड़े भी होते हैं उन्हें भी आप बेटा कह देती हैं, उनको भी कभी इंसान को शोहरत मिलती है इंसान की वजह से, और देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अगर हम अपना सर ऊंचा करके रहेंगे तो एक दिन सर ऊंचा रहेगा, दूसरे दिन हम बिल्कुल नीचे होंगे, क्योंकि जाना हमें नीचे ही है। ये देखें जैसे अल्लाह ने भी सही रखा है, मिट्टी में जाना, मिट्टी में जाना, इंसान मिट्टी भी है, बड़ा इंसान हो जाए उसके बाद जाना तो मिट्टी में, बिल्कुल मिट्टी में होना है। दिमाग ख़राब करके क्या फ़ायदा। सही, क्या खुशबू आ रही है इसकी, यखनी मुझे खोला है, ओहो ज़बरदस्त। अच्छा जी, बस अभी दम हो रहा है, कॉलर से बात करते हैं, फिर हम दूसरी डिश पे आते हैं। ठीक है, अजीजा जी फ्रॉम कतर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, है ना लेंटे, कैसी हैं? कैसे हो भाजी? बिल्कुल जी, कहा सुनाए, कैसी हैं जी? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, जीते रहो खुश रहो। अच्छा आपका सवाल क्या था? आज का सवाल है शहद किस चीज, खालिस शहद किस चीज से बनता है, फूलों के रस से या गन्ने के रस से? मधुमक्खी से। मधुमक्खी बनाती है? बनाती है। मधुमक्खी से अगर बने तो अपन फूल पे बैठती है? नहीं। अच्छा मधुमक्खी कहाँ जाती है, गन्ने पर जाके लेकर आती है जूस या फिर फूलों पे जाकर? मधुमक्खी फूलों पे बैठती है या गन्ने पे जाकर रस लेकर आती है? पेड़ों से होती है, फूलों से लाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और क्या कहेंगी? और अल्लाह का शुक्र ठीक था। बिल्कुल जी खैरियत से। कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई रेसिपी की फरमाइश? नहीं, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। जवाब से बहुत खुश है, जवाब से बहुत एक्साइटेड। मधुमक्खी से बनता है शहद, मधुमक्खी लेकर, मधुमक्खी कहते हैं ना। हाँ, इंडिया के लोग शहद के छत्ते का, अगर आप लोग जैसे बताते हैं जो लोग शहद निकालते हैं, शहद का छत्ता ऐसा होता है जैसे किसी बड़े बादशाह का महल, जहाँ शहद की मक्खी जो महारानी होती है उसका सोने का कमरा जो होता है वो अलग होता है। हाँ, ये आपने बताया, ये तो खाने खाने बने हुए होते हैं, और जो उसकी कनीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। जब वो छत्ते में अपने जाती हैं अंदर, तो पहले शहजादी अंदर जाएगी महारानी, बाद में उसके बाद दूसरी लाइन से मक्खियाँ जाएंगी। ओए ओए, और ज़रा छेड़ के देखें, छेड़ के। अच्छा, एक साहब थे एक मल्टी नेशनल कंपनी में, मेरे मियाँ के बॉस थे, और उनकी बेटी का लाहौर में टेलीफोन आया कि अब्बा को शहद की मक्खियों ने काट लिया है।
वो दौरे पे जा रहे थे तो गाड़ी से जा रहे थे तो उनको रास्ते में शायद कोई ज़रूरत महसूस हुई तो वो किसी जंगल में पेड़ वेड़ थे वहाँ चले गए। वहाँ शहद की मक्खी का छत्ता था या उन्होंने कुछ खाने वाने की वो आग वाग जलाई कुछ किया वैसा कुछ था। अच्छा, तो जो शहद की मक्खियों के डंक निकले थे वो दो माचिस की डिबियाँ भरी हुई थी। इतने इतने डंक थे और उनका चेहरा इतना था और सर इतना था, स्वेल कर जाता, हाँ सूज गया था और गहरा लाल बिल्कुल जैसे कंधारी अनार का रंग होता है ना ऐसा। बस देख के वहशत हो रही थी कि कैसे ठीक होंगे। खैर ठीक तो हो गए। फिर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर शहद की मक्खी काट ले तो शायद हार्ट अटैक नहीं होता जिंदगी में, कभी नहीं सुना था। लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ और वो गए उसी में गए। लेकिन वो चेहरा आज तक मेरे दिमाग में है और वो डंक मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो माचिस की बड़ी बड़ी डिबियाँ डंक से भरी हुई थी जो उनके चेहरे से निकाले थे जिस्म से। ओह, इतनी शिद्दत से आपा उन्होंने जो है ना हमला किया था, ख़तरनाक। अच्छा, एक मूवी में मैंने सुना था ये शहद की मक्खियों के बारे में ही, आप लोगों ने भी यकीनन देखी होगी। बेसिकली उस मूवी में था कि शहद की मक्खियाँ अगर मर जाए सारी तो मर्द हज़रात नहीं रहेंगे इस दुनिया में, ऐसा भी उस मूवी में बोला कि अगर टेलीफोन ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स तो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से उसकी जो रेज़ होती हैं उसकी वजह से मधुमक्खियाँ या जो शहद की मक्खियाँ उन पर बड़ा असर करता है और अगर वो मर जाए सारी एक दिन इस दुनिया से तो फिर उसी दिन मर्द हज़रात नहीं रह सकेंगे। नहीं, ये चलो ये सब वो हैं तोहमात, सारी अपनी ज़िंदगी अपने खुद बना लेते हैं। लेकिन शहद की मक्खियाँ जाने कितनी ख़त्म हुई होंगी है ना, लेकिन सारी तो नहीं मरी। हाँ, लेकिन ये कि ये है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज़ होती है लेकिन फ़ायदा भी बहुत कितनी। अच्छा जी, शहद की मक्खियों पे तो काफ़ी बात हो गई है, हम ब्रेक पे चलते हैं। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो भी आपा से शेयर करेंगे और आप लोगों से भी शेयर करेंगे कि छत्ते का बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात है जो लोग कहते हैं कि ये सच है कि नहीं। अभी के लिए तो यखनी पुलाव बन रहा है मटर के साथ, मज़ेदार खुशबू आ रही है, दही अपन एक तरफ कर दी, ये शायद रायते के लिए कर रही है, रायते के लिए ही कर रही है। फिर है जी हनी नूडल्स जो चिकन नूडल्स हैं बड़े मज़े के हैं, वो भी हमने जानना है। सवाल, शहद की मक्खी पे इतनी बात हो रही है पर आपने बताना है शहद किस चीज़ से बनता है, फूलों के रस से या फिर गन्ने के रस से, क्या सही लगता है? 888 पे जल्दी जल्दी बताएं। लाल किला में जाके लंच बुफे करने का मौका मिल रहा है या फिर हाई टी करने का और मसाला टीवी फूड मैग मिल सकता है, लेकिन एक्सेंट्री से क्वेश्चन का आंसर देना है आपने 888 पे। आपके मैसेजेस भी शेयर करेंगे जल्दी जल्दी और भी कॉल देंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक है। बस मज़ेदार सा यखनी पुलाव जो मटर के साथ है उसको क्या दम आ गया है, मज़े की खुशबू यार। आहा, ठीक है, क्या खुशबू आई अब्बा, जबरदस्त। अब इसको हम हटाते हैं, ये तो बने और खुशबू से जो है ना इसको भूख लगा रखते हैं। और इस अब हम बनाएंगे चिकन हनी नूडल्स। इसके लिए मैं ये नूडल्स उबाल के लाई हूँ, इसमें अभी थोड़ा सा तिल का तेल मिलाएंगे नूडल्स में। ठीक है, इसमें हम मिलाते हैं तिल का तेल, ये है तिल का तेल। ठीक है, थोड़े सा वन टी स्पून, हाँ ये इतना सा तिल का तेल नूडल्स के अंदर, ये हो गया। उसको अच्छे से मिक्स अप करना है और इसके बाद हमने इसको उबाला भी उसी तरीके से था कि पानी गरम किया, इसको उबालने डाल दिया उसमें, जब ये उबल गए पानी निकाला, फिर ठंडे पानी से धोया, फिर चिकनाई मिला दी और तेल में पानी में भी 2 टेबल स्पून तेल मिलाना पड़ता है ताकि ये चिपके ना, अलग 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 रहे। जब भी देखें कैसे बिल्कुल अलहदा अलग, ये देखें ये है चिपके नहीं, बहुत अच्छे से चाहिए रहता है। इसको नीचे रखते हैं, इसको फिर साफ प्याले में डाल देंगे।
इसको मैं वहाँ टेबल पर रखती हूँ। कढ़ाई आप, ये तो चूल्हा बंद है ना इसका, अगर आपको डिस्टर्ब करी नहीं, यहाँ रख दो इसको। हाँ अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे तेल तकरीबन एक आधी प्याली से कम, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन और ये मुर्गी के पार्चे हमने बना के रखे हैं बोनलेस सीने के पीसे। ठीक है, इनको आप कुछ लगाया है? अभी कुछ भी नहीं, अभी इसको सिर्फ तलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आधा कप के बराबर ऑयल और ये अदरक लहसुन, ये लिया इसमें अदरक लहसुन, करते हैं और स्पून से इसको, ये वाला चलेगा? नहीं ये वाला चलेगा, ये वाला, अरे ये है दूसरा, अच्छा इससे घूमना है। अब इसमें हम मुर्गी के पार्चे डालेंगे, जब मुर्गी का पानी खुश्क हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, तो सिरका, सोया सॉस और ये चिकन क्यूब वाला मैदा, ये सब नमक, ये सब डालेंगे, डाल के इनको हल्का सा फ्राई करके नूडल्स डालेंगे, फिर शहद डालेंगे, फिर तिल का तेल डालेंगे और ऊपर से शिमला मिर्च डालेंगे, सर्व करते वक्त हरी प्याज के पत्ते डाल देंगे, बस पत्ते डाल देगा और मज़ेदार सरेरी कर देंगे, क्या बात है। और जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट भुन रहा है, चार अदरक हमने चिकन फ्लेक के पेस्ट पीस लिए थे, ठीक है, उसमें हमने इसके पार्चे किए, अब इसमें ठीक है। अच्छा कॉलर से बात करते हैं, आमना जी फ्रॉम लाहौर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपा जी जबैदा, आपा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, जीते रहो, खुश रहो। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, और बस मैंने ओपन का पूछना था कि ओपन बनाने का तरीका, और मुझे आपका मैगजीन चाहिए, और तो अभी ने उनके जोड़ा पहना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप कहीं मुझे जोड़ा भी गिफ्ट करें, क्योंकि मेरी शादी है 15 मई को। माशाल्लाह मुबारक हो आपकी शादी का। और सवाल का जवाब, सवाल का जवाब ये है कि फलों और तरह के रस से शायद बनता है, जो मक्खियाँ जो होती हैं वो फलों के रस से लेती हैं। फलों के रस से? जी, फलों और फूलों के रस से। ऑप्शन सुने आपने? मैंने अभी ऑन किया था, ये तो मैंने पिछले पढ़ा कॉल भी लग गई, ट्राई किया आपकी कॉल भी नहीं थी। ऑप्शन में तो एक फूलों का रस है और गन्ने का रस है। फूलों के रस है। फूलों के रस है, अच्छा अच्छा ठीक है, शुक्र है। शायद की मक्खियाँ फलों पे बैठती हैं पर रस निकालने लगी तो फीके फल आएंगे, ये ख़राब आने लग जाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ड्रेसेस के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हमारी अब इंशाल्लाह 500 एपिसोड आने वाली है और दूसरी और सेलिब्रेशन भी हम कर रहे हैं, तो उस पर ड्रेसेस भी इंशाल्लाह आप लोगों को हम ज़रूर देंगे। अच्छा बेटा, जहाँ तक उपटन का ताल्लुक है ना बेटा, उपटन घर में नहीं मुझे बनाना आता, उपटन बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, आप वो लीजिए, लेकिन उपटन हमेशा थोड़े से दूध और चमेली के तेल में ज़रूर भिगोएं और फिर लगाएं, लेकिन लगाएं पहले कानों के पीछे, बाज़ उपटन से रैश हो जाता है, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता। और फिर साबुन नहीं इस्तेमाल करें, उपटन लगा रही हैं तो आप मुंह धो लें, साबुन फिर उसके बाद में इस्तेमाल करें, वरना फिर उपटन का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर आपका मुँह कैसे धोएं? वो वैसे ही धुल जाता पानी से बस। अच्छा, पानी, ओके। तो आप साबुन अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा, या फेस वॉश वगैरह अगर यूज़ करते हैं? मैं इसको ढक रही हूँ क्योंकि उछल रही है, बहुत रहती है, तो मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी, मुझे एप्रन बांधना नहीं आता। कोई बात नहीं। अच्छा जी, कॉलर है बांग्लादेश से, कौन है? नादिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जगह से आप टेलीफोन कर रहे हो। बस आपसे बात करने का मुझे इतना था कि मैं इतने दिनों से फोन मिला रही थी और अब जाके मेरा फोन मिला है। बहुत